अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 5, यूनिट्स इन प्रोसेस अक्टूबर 1st 93, 3000 यूनिट्स हैं। 90% कंप्लीट एज टू मटेरियल एंड 70% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन कॉस्ट। फिर है कॉस्ट ऑफ यूनिट इन प्रोसेस अक्टूबर 1st 1993, 25000 इसकी कॉस्ट है। जो 3000 यूनिट्स हैं उसकी कॉस्ट है 25000। फिर है यूनिट प्लेस इन प्रोडक्शन, यानी यूनिट्स कंप्लीट एंड ट्रांसफर आउट गिवन नहीं है, प्लेस इन प्रोडक्शन है। 20000 यूनिट प्रोडक्शन में लगाया आपने। मटेरियल कितना लगा उसमें? 97500 का। लेबर लगा 57900 का। और एफएच लगा आपका, एफएच आपका लगा है इसके अंदर 70000। ठीक है जी, ये कॉस्ट लगी, ये कॉस्ट लगी हमारी सारी। एफएच कितना लगा? 70000 लगा। उसके बाद सवाल की रिक्वायरमेंट पे जाते हैं। यूनिट पहले एंडिंग में यूनिट्स इन प्रोसेस अक्टूबर 31 93, 80% कंप्लीट एज टू मटेरियल एंड 60% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन कॉस्ट। कितने यूनिट्स है? 4000 यूनिट्स है। पहली रिक्वायरमेंट हमारी, हम क्या निकाल रहे हैं? कंप्यूट इक्विवेलेंट फुल यूनिट्स कंप्लीटेड ऑफ मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट। यानी पहली रिक्वायरमेंट आपकी क्या निकालें? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है ना भाई? तो पहले हम निकालते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। किस तरह कैलकुलेट होंगे भाई, देखते हैं। पहले निकलेगा यूनिट्स कंप्लीट एंड ट्रांसफर आउट, इसकी वर्किंग देखते हैं। देखिए भाई, ओपनिंग यूनिट्स है 3000, प्लेस इन प्रोडक्शन है 20000 और आपके पास एंडिंग यूनिट्स है 4000। ठीक है जी, तो पहले निकालते हैं यूनिट्स कंप्लीट एंड ट्रांसफर आउट। ओपनिंग में यूनिट पुट इनटू प्रोसेस ऐड किया आपने, 23000 आ गया। लेस करेंगे यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस 4000, 19000 आपका यूनिट्स कंप्लीट एंड ट्रांसफर आउट है। इसको आपने यहाँ कॉपी किया 19000 तीनों में। ऐड करेंगे आप एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस के बारे में सवाल में क्या रहा है कि भाई जो एंडिंग आपके यूनिट्स हैं वो 80% मटेरियल के मुताबिक कम्प्लीट है और 60% लेबर और एफएच के मुताबिक कम्प्लीट है। तो 4000 का 80% 3200 बना और 60% बना 2400 और 2400। 19000 प्लस 3200 22200, 19 प्लस 2400 21400, 19 प्लस 2400 21400। ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का आपका आधा पार्ट हो गया। लेस करेंगे ओपनिंग। ठीक है जी, लेस करेंगे ओपनिंग, लेस करेंगे यहाँ तक आके आपका ऐसे ओपनिंग लेस करेंगे। ओपनिंग यूनिट से 3000, कितने यूनिट से ओपनिंग? ओपनिंग यूनिट से 3000, जो कि मटेरियल का 90% कंप्लीट है और लेबर एफएच का 70% कंप्लीट है। ठीक है जी, ओके भाई। 3000 का 90% 2700, 3000 का 70% 2100 और 2100 आया। माइनस किया 19500 आया, 19300 आया, 19300 आ गया। ये आ गया इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स 19500, 19300, 19300 आ गया। ठीक है जी, पहली रिक्वायरमेंट हमारी हो गई। दूसरी आते हैं पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट कैसे आएगा? मटेरियल लगा आपके पास 97500, लेबर लगा 57900, एफएच लगा 70000। इसको आप डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट से। मटेरियल 97500, इक्विवेलेंट 19500, डिवाइड करा कितना आ गया? 5 रुपए रेट आ गया। उसके बाद लेबर पे आएंगे 57900 डिवाइड बाय 19300, 3 रुपए रेट आ गया। एफएच पे आते हैं 70000 डिवाइड बाय 19300, 3.627 आ गया। तीनों को ऐड करा, पर यूनिट कॉस्ट आई 11.627 आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं जरा आगे थर्ड रिक्वायरमेंट की तरफ। थर्ड क्या? डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर यूनिट्स इन फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी। तो पहले तो आपके यूनिट तैयार कितने हुए? 19000 तैयार हुए, जिसमें से पुराने वाले कितने? 3000। यानी करंट प्रोडक्शन के होंगे 16000 यूनिट्स और पुराने होंगे 3000 यूनिट्स। ठीक है जी, तो भाई 3000 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी ऑलरेडी हो चुकी है? 25000। तो ये पहले हम एज इट इज कॉपी करेंगे 25000। यहाँ लिखा हमने 3000 यूनिट्स, कॉस्ट कितनी है उसकी? 25000 है। ऐड करेंगे कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग द पीरियड। कितनी कॉस्ट ऐड हो रही है भाई? 90% मटेरियल पहले तैयार था, अभी कितना होगा? 10%। लेबर एफएच 70% पहले से तैयार था, 30% अभी प्रोडक्शन होगी। तो 10% आ गया मटेरियल और 30% लेबर और एफएच आ जाएगा। रेट कहाँ से आया? जो हमने पीछे पर यूनिट कॉस्ट निकाला है यहाँ से रेट आएगा 533.627। ये रेट लिख दिया।
53 और 3.67 मल्टीप्लाई करा 1500 2700 3264 3000 जो ओपनिंग यूनिट से सबकी कॉस्ट प्लस करी 32,464 आपकी 3000 यूनिट्स की कॉस्ट आ गई। फिर जो आपकी करंट प्रोडक्शन है 16,000 यूनिट्स उसको आप रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट कितना है 11.627 हिसाब से मल्टीप्लाई किया कॉस्ट आ गई 186032। 3000 की कॉस्ट प्लस 186032 दोनों को ऐड करा टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर आउट आ गया 218496, ये आ गए 19,000 यूनिट्स की कॉस्ट आ गई। लास्ट रिक्वायर्ड है हमारी इसके बाद फिर डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी और फिर जनरल बनानी है। एंडिंग इन्वेंटरी कॉस्ट निकाल ली, तो एंडिंग यूनिट्स कितने हैं मेरे पास भाई, एंडिंग यूनिट्स है मेरे पास 4000, 80% मटेरियल कंप्लीट है और 60% लेबर और एफएचसी कंप्लीट है, ठीक है ना भाई। तो आते हैं एंडिंग की कॉस्ट में 4000, 80% मटेरियल 33% लेबर और एफएचसी कॉस्ट है। तो भाई एंडिंग यूनिट्स कितने हैं हमारे पास, एंडिंग यूनिट्स हमें 4000, 80% मटेरियल कंप्लीट है, 60% लेबर एफएचसी के थे और रेट कितना है इसका पर यूनिट मटेरियल का 5, लेबर का 3, एफएचसी का 3.627, इससे कर देंगे मल्टीप्लाई 4000 का 80% मतलब 5, 4000 इंटू 60% मतलब 3 लेबर का और 4000 इंटू 60% मल्टीप्लाई बाय 3.627 एफएचसी का, यूनिट कॉस्ट आ गई प्लस करा 31904 आपका टोटल कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा 4000 यूनिट्स का। अच्छा जी अब बढ़ते हैं आगे अगली रिक्वायर्ड क्या, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द कॉस्ट एलोकेटेड टू प्रोडक्शन द कॉस्ट ऑफ गुड कंप्लीट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है नहीं। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल लेबर एफएचसी लगा उसकी की एंट्री बनानी है, तो भाई कौन कौन सा लगा है देखिए भाई ये लिखा हुआ मटेरियल 97,500, लेबर 57,900, एफएचसी 70,000, ये तीनों से तीनों क्रेडिट हो जाएंगे और वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएंगे। अब चाहें तो अलग अलग एंट्री बना सकते हैं, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट मटेरियल क्रेडिट 97,500 से, लेबर की भी एंट्री बनेगी वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट एक्रूड पेरोल क्रेडिट 57,900 से और एफएचसी की भी एंट्री बनेगी वर्क इन प्रोसेस एफएचसी डेबिट लेटेड अप्लाइड क्रेडिट 70,000 से। फिर फिनिश गुड्स कंप्लीट ट्रांसफर आउट की एंट्री बनाएंगे 218496, फिनिश गुड्स डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट 218496, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। सर यासर की जाती।